गाइस नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक सिंपल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ जो कि काफ़ी ग्लैमरस लगने वाला है बट बहुत इजी है। तो यहाँ पर मैंने अपने स्किन को ऑलरेडी प्रेप कर लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ प्राइमर। तो यहाँ पर मैं पैक का जीरो सेपरेशन क्रीम जो है वो यूज़ कर रही हूँ एंड उन एरियाज़ में लगा रही हूँ जहाँ पर मुझे काफ़ी सारे पोर्स हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर पोर्स ज़्यादा दिखते हैं। तो अच्छे से मैंने लगा लिया है प्राइमर। नाउ प्राइमर लगाने के बाद बारी आती है फाउंडेशन की। तो मैं ये दो फाउंडेशन मिक्स कर रही हूँ, एल ए गर्ल का एच डी लिक्विड फाउंडेशन एंड साथ ही साथ पैक का फाउंडेशन। तो इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया बिकॉज पैक वाला मुझे बहुत ड्राई लगता है एंड जो एल ए गर्ल वाला फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब मुझे ऑयली सा फीलिंग देता है। सो दैट्स वाई मैं इनको मिक्स करके लगा रही हूँ एंड प्रॉपरली नेक वगैरह पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड एज़ यू ऑल नो, अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं, मैं यूजुअली अपने जो फाउंडेशन हैं उसको मैं ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड करती हूँ। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रियल टेक्निक का फाउंडेशन बफिंग ब्रश यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो ब्रश है वो आप यूज़ कर सकते हैं फाउंडेशन का और उसके बाद इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करना होता है आपको। ना थोड़ा सा फाउंडेशन लेकर के इसको मैं अपने अंडर आइज़ पे भी लगा रही हूँ एंड जहाँ जहाँ भी मुझे लगता है कि और थोड़ा सा कवरेज की ज़रूरत है वहाँ पर आप इसको लगा लीजिए। आप ऐसे फाउंडेशन की हेल्प से भी कर सकते हैं एंड यहाँ पर अभी मैं अपना जो बाल है उसको बांध लेती हूँ बिकॉज काफ़ी परेशान कर रहे थे। नाउ इन सबको सेट करने के लिए मैं यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का बनाना पाउडर यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बेकिंग नहीं करूँगी बिकॉज मुझे इससे काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस लगने लगती है। तो मैं हल्का हल्का सा सिर्फ सेट कर रही हूँ एंड अपने पूरे फेस से बाकी जो बचा हुआ पाउडर है एक तरीके से मतलब सेटिंग कर रही हूँ कि मेरा जो फाउंडेशन है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। एंड कंसीलर मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैंने फाउंडेशन को ही एज अ कंसीलर यूज़ कर लिया है। तो अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आईब्रोज़ पे मैं यहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ, मतलब नॉर्मल जस्ट हल्की सी फिलिंग कर रही हूँ और शेपिंग कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ओवरडू नहीं करती हूँ आईब्रोज़ को, जैसा मेरा नेचुरल है वैसे ही उसको रहने देती हूँ। तो आईब्रोज़ हो जाने के बाद हम आएंगे आईज़ की तरफ। तो यहाँ पर मैं निका के का परफेक्ट 23 कलर आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, काफ़ी अफोर्डेबल आता है ये। तो इसका मैंने ये डार्क और लाइटिश थोड़ा सा शेड लेकर के ब्राउन इसका वो क्रीज एरिया में लगाना स्टार्ट किया है। अभी पूरा जो आई शेडो है वो मैं बहुत इजी स्टेप्स करने वाली हूँ, सिर्फ मैं एक दो कलर्स से ही अपना पूरा आई शेडो कर लूँगी। तो यहाँ पर क्रीज लाइन जो एरिया है उसको मैं बिल्ड करना स्टार्ट करूँगी। धीरे 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 मैंने करना स्टार्ट कर दिया है बिल्ड और इस तरह से कॉर्नर्स में मैं थोड़ा ज़्यादा डिपॉजिट करती हूँ कलर बिकॉज मुझे थोड़ा सा स्मोकी टाइप का जो इफेक्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड करूँगी, आप टाइम लेकर के कर सकते हैं ना। इस तरह का एक टेपर्ड ब्रश लेकर के मैंने ये वेट एंड वाइल्ड का जो आई शेडो पैलेट है ये भी बहुत अफोर्डेबल है, इसमें से कलर्स लिए हैं और इस तरह से जो मेरी क्रीज लाइन एरिया है वहाँ पर लाइन क्रिएट कर दिया है। टेपर्ड ब्रश इज़ नॉट गुड फॉर योर यू नो ब्लेंडिंग के लिए, इट्स नॉट रियली गुड। तो इसी तरह का ब्लेंडिंग ब्रश लेकर के अब मैं ब्लेंड करूँगी। नाउ आई एम चेकिंग कि किसी आँख में ज़्यादा आई शेडो लग गया या कम, तो उसको मैं बैलेंस आउट कर रही हूँ अभी। यहाँ पर अगेन वेट एंड वाइल्ड के पैलेट से ही मैंने ये शिमरी दोनों कलर्स को मिक्स किया है एंड अपने आईलिड एरिया पे शिमर्स लगा दिए हैं। ये जो पैलेट है ये 499 रुपीज़ का आता है, एन अमेजिंग पैलेट है इसका। आप देखो कलर पे ऑफ बहुत ही अमेजिंग है, तो आप ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मैंने काजल यूज़ किया है, ये मैं नायका का ब्लैक काजल यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आईलाइनर को स्किप करके इसी तरीके से काजल आईलाइनर की जगह पे लगाने वाली हूँ। मुझे ऐसे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसे लगाना एंड देन फिर नीचे भी वाटर लाइन पे भी अगेन मैं थोड़ा सा काजल लगाऊंगी बट मैं सिर्फ हाफ में लगाने वाली हूँ, फुल नहीं लगाऊंगी। अभी थोड़ा सा और मुझे थिक करना है तो मैं उसको थोड़ा थिक एंड डार्क कर रही हूँ। नाउ अगेन मैंने ये दो कलर्स लिए हैं एंड अपनी जो वाटर लाइन है वहाँ पर उसके बाहर साइड के एरिया में थोड़ा इस तरह से कलर्स को लगाया है, इसे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। नाउ मैं अपनी जो आई लैशेज़ हैं उसको कर्ल कर रही हूँ। मैं फेक लैशेज़ इसमें यूज़ नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम श्योर काफ़ी सारे लोगों के पास फेक लैशेज़ नहीं होगी। जो आपके पास मस्कारा है आप वो यूज़ कर सकते हैं एंड लुक एट द डिफरेंस। जब मैं इसको लगाऊंगी तब आप मेरी जिसमें मैंने मस्कारा नहीं लगाया उस पर डिफरेंस देखिएगा और जिसमें लगाया है वो डिफरेंस देखिएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मस्कारा लगाने के बाद आई लैशेज़, तो इसलिए मैं फेक आई लैशेज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ। एंड ये हमारा आई लुक जो है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो गया है। अब मैंने वेट एंड वाइल्ड का जो ब्रॉन्जर पैलेट है वो लिया है एंड इसे हल्की सी ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बिकॉज पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉन्जिंग पसंद नहीं है। ऑल्दो मैं बहुत चबी फेस की हूँ बट स्टिल
यहाँ पर मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ बाय टार्ट, ये काफ़ी न्यूट सा और बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर है, इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, बहुत ज़्यादा रेडिश या पिंकिश नहीं है। एंड पहले मैं ये फेसेस का लिपस्टिक यूज़ कर रही थी बट फिर मैंने अपना मन चेंज कर लिया एंड नाउ आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड का, काफ़ी ब्यूटीफुल सा कलर है ये बिहाइंड द ब्लीचर्स, मरूनिश टाइप का है, मरूनिश काइंड ऑफ बोलूँगी, कलर स्क्रीन पर बहुत समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगेन जो वेट एंड वाइल्ड का आई शेडो पैलेट था उसमें से मैंने ये शिमरी कलर लिया है एंड इसको अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ द आईज पे लगाया एंड यहाँ पर विकी कुछ बोल रहा है इसलिए मैं इतना गंदा रिएक्शन दे रही हूँ, सो जस्ट अवॉइड माई फेस। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर अपने जो अपर लिप एरिया है वहाँ पर भी लगाया है एंड देन अपने जो आईब्रो बोन है उस पर भी लगा करके रखा हुआ है, तो थोड़ा सा हाईलाइटिंग पॉइंट्स पे, बाकी और जगह मैं नहीं लगाती अपने चीक्स वगैरह पे हाईलाइटर नहीं लगाती बिकॉज ऑयली स्किन है तो थोड़ी देर में एनी वेज वो हाईलाइटिंग इफेक्ट देने लगता है, शाइन मारने लगता है स्किन। सो येस यहाँ पर मैंने हाईलाइटिंग लगा दिया है एंड उसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे लगाऊंगी, तो यहाँ पर मैं मैक का नया वर्जन आया है शायद ये मैट वाला, मतलब मेरे पास तो नया आया है, ये मैंने स्प्रे किया है और बस आई एम ऑल सेट और हमारा मेकअप ईजी सा रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं हल्का सा, अगर आप मैरिड है तो आप ऐसे कर सकते हैं और बिंदी लगा सकते हैं, यहाँ पर मैंने अपना मंगलसूत्र पहन लिया है एंड काफ़ी सिंपल सा है, बहुत क्विकली हो जाता है, तो आप अभी फेस्टिव सीजन आने वाला है तो उसमें इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं घर की चीज़ों से ही। So that's it for my video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये लुक कैसा लगा है। अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग जरूर करिएगा एंड मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।